हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग सुपर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। ऐसी आपको याद होगा कि मैंने दुआ की एनिवर्सरी का एक दफ़ा व्लॉग बनाया था यहीं स्टोर में चुपके, इतनी ही हल्की आवाज़ में। तो अब मैं दोबारा बना रही हूँ। टुडे इज 31st of December एंड आज अभी भी मैं आइसक्रीम खाने जा रही हूँ और कल जो है वो 1st January लग जाएगी। तो आई हैव सम प्लान फॉर हर कि आई विल गिफ्ट हर समथिंग जो मैंने आप थोड़ी देर पहले आप क्लिप में देखेंगे उसको कुछ गिफ्ट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि इस साल उसकी शादी हो रही है एंड आई एम ट्राइंग टू पैम्पर हर और उसको स्पेशल फील करवाने के लिए। सो मैं इसलिए आहिस्ता बोल रही हूँ ताकि उसको आवाज़ ना चली जाए। और लेट्स सी उसको गिफ्ट कैसा लगता है, उसके हिसाब का नहीं दिया मैंने बट इसलिए कि वो थोड़ा अपना ख्याल रखे स्किन का, बिकॉज ऑफ कोर्स शादी होने वाली है। सो लेट्स सी हर रिएक्शन। लंबा नहीं करना चाहती व्लॉग को बट हैप्पी न्यू ईयर एंड लेट्स सी हर रिएक्शन। गाइस दुआ जो है कमरे में बैठी थी और गिफ्ट आ रहा है उसके लिए। सो मैं दुआ के पास आ रही हूँ। हाय गाइस, सो आई एम मेकिंग अ वीडियो बिकॉज 2022 जो है वो एंड हो रहा है और चाहती हूँ कि चलो आप इसको एंड करें। सो अभी दुआ से बोलती हूँ, वो मेरी वीडियो में आ जाती है तो दुआ इधर आओ। सुन सकते हैं पटाखों की आवाज और ये पता नहीं क्या हो रहा है। खैर मैं आपको भी दिखाऊंगी। सो गाइस दुआ भी आ चुकी। दुआ हाय, हैप्पी न्यू ईयर। अभी न्यू ईयर 58 एक साथ विश करेंगे ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर तुम्हारे लिए। अब तुम अंदर चलो मैं दिखाती हूँ। क्या हो रहा है? क्यों है? पहले ही पढ़ो, पहले पढ़ना, जोर से पढ़ना। माय गॉर्जियस सिस्टर, अ स्मॉल सरप्राइज फॉर यू व्हिच आई एम श्योर यू डिडंट एक्सपेक्ट इट इज, सो आई एम गिफ्टिंग दिस टू यू बिकॉज़ 2023 इज हियर। स्पेशली ना मैंने ये नहीं करा ईपी नहीं, एंड आई वांट टू पैम्पर यू एज मच एज आई कैन बिकॉज़ यू आर हियर ओनली फॉर 12 मंथ्स नाउ एंड लेस देन 360 डेज। ओपन इट विद अ बिग स्माइल। आई एम नॉट श्योर इफ यू विल बी हैप्पी विद दिस गिफ्ट और नॉट बट इट्स लेकिन तुम्हें पता नहीं था, झूठ नहीं बोला। गिफ्ट का नहीं पता था मुझे, था कि तुम कुछ कर रही हो लेकिन मैंने कहा क्या करूंगी, मेरा ना कुछ है ना ही कोई सीन है, तुम कुछ कर रही हो। ये निकाल के दे दे। नहीं मैं अंदाजा हो गया था कि कुछ है। गिफ्ट नहीं कर रहे, गिफ्ट कब मंगाया ये भी नहीं पता होगा। इसको छोड़ो, तुम खोलो यहाँ से, खोलो यहाँ से, यहाँ से कहाँ से खोलो, तुम पीछे पूरी नहीं आ रही। खोलो, वैसे तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या होगा? रखो एक मिनट, थोड़ी वीडियो लंबी करा दो मेरी। क्या तुमसे मैंने बोला तुम कुछ तो लिखा हुआ है इस पर, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें लग रहा है तुम क्या लगे, नहीं पता था कि तुमने गिफ्ट लिया, लेकिन तुम अचानक से उठ के जब जाने लगी ना कि मैं माही माही के जा रही हूं, ये क्या वजह है, क्या है, क्या नहीं, लेकिन है क्या इसके अंदर कुछ बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे शक हुआ। कुछ क्या एक्सपेक्ट कर रही हो ये तो बताओ। मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही। लाल का डब्बा, तुमने वो पढ़ा, तुम्हें वो भी समझ नहीं आया। वेफर रोल्स हैं, तुम्हें ये पढ़ा तुमने समझ नहीं आया। मेरे लिए ना तो मैं जब हर महीने गिफ्ट दिया करूँ, ये कुछ ज्यादा हो गया। अरे चलो लास्ट लाइन पढ़ी, क्या
अरे बताओ क्या है ये? ये तो रोल्स इतने जरूरी थोड़ी है, इसके अंदर यही हो, ये तो नहीं है ना, मेकअप होगा तो वहीं पे देख लो क्या स्किन केयर प्रोडक्ट्स। देखा गाइस मैंने क्या कहा था, ये कोई गिफ्ट ये देखा गाइस करती नहीं है ना स्किन केयर से, तो हमारी ये कोई गिफ्ट पूरी ब्राइडल किट मंगाई है मैंने। कब मंगाई? जब तुमने अबे यार छोड़ो तुम, लंबी नहीं करो। तुम्हारे साथ जो भी करेंगे बड़ी महंगी आई है बेटा। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? मुझे ज़ैना को मालूम ही नहीं था कि कुछ गिफ्ट, तो बस ये मिला खुश हो जाएगा। तो इसका मैं कभी भी नहीं सोच सकती ना कि हाँ मुझे ये कुछ गिफ्ट मिल सकता है, फिर 12 महीने चलेगा। हाँ अगर मैं यूज ना करूँ, मैं यूज कर लूँ तो ज्यादा अच्छा। पूरी ब्राइडल किट है तो रोजाना यूज करते हैं। हाँ तो तुम मुझे मेरे यूज करके मेरे ऊपर लगा के एक दिन उसको बता दो, लिखा होता है उसमें कौन सी रोजाना लगा के मेरे लगा दिया करना, ज्यादा हो रही है। सो गाइस गिफ्ट मैंने दे दिया जिसकी जिद्दोजहद आपको पता है मैंने कितनी करी है, कितना छुप छुप के मैंने वीडियोस बनाई है, फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गई। इसको कुछ नहीं पता चला, बस मम्मी को पता था, बाजी को पता था, कुछ बोलना चाहोगी? कुछ बोलना चाहोगी? कितने रुपए खर्च किए आपने? अंदाजा लगा लो तुम, लेकिन तुम्हारे पैसे थोड़ी खर्च तुमने खर्च किया, अपने पैसे खर्च 2000 से ऊपर तक के तो होंगे क्योंकि मुझे पता है ये मंगवाती रहती है। उस दिन इससे मॉइस्चराइजर मंगवाया वो भी 1000 का आया है, तो वो इतना सा था, इससे भी छोटा है, बल्कि दोनों तो साइज सेम है, इससे भी छोटा है, तकरीबन 2500 रुपए का तो होगा। अगर मैं बोलूं इससे ज्यादा का, वही तो कह रही ज़्यादा का है। चलो गाइस अच्छा डब्बा भी मेरा लेके गए, मैं ये लेके गई थी, मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा होगा, मैंने भी आज ही खोला है। अच्छा ये कब का आया था? जिस दिन वो आए थे ना, तो इसमें रखा था? नहीं ये पार्सल वाले, उसमें था, मैं ये लेके गई केस में पैक करूंगी, बट देन तो ये तुमने पार्सल का रखा था तो आज कहाँ से मिला तुम्हें?